नमस्कार। अभी वेदर अपडेट ऐसा है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक कंटिन्यूअसली मोर और लेस वेस्टर्न हिमालयन रीजन को अफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से उत्तर भारत में एवं नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पे भी कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी चल रहा है। हमारे प्रदेश के आसपास खास कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन साउथ कोंकण एरिया में एक ऊपरी हवा चक्रवात बना हुआ है, जिस वजह से कुछ नमी हमारे प्रदेश में आ पहुंच रहा है एवं विंड पैटर्न मोस्टली हमारे प्रदेश के ऊपर ईस्टर्ली पूर्व होते हुए या साउथ ईस्टर्ली पैटर्न है। उत्तरी हवा मोस्टली प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पा रहा है एवं टाइम टू टाइम बादल बना हुआ है, आगामी 3-4 दिन भी रहेगा। और जो इंट्रैक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, दैट इज आज के दिन ही केवल मराठवाड़ा एवं विदर्भ एरिया में कुछ इंट्रैक्शन यानी कि हवा में थोड़ा टकराव का संभावना है ये पर्टिकुलर रीजन में, पूर्वी हिस्सा हमारे प्रदेश का। इसके आधार पर हमारे प्रदेश के लिए 4 संभाग के लिए जो पूर्वानुमान दिया गया वो है मराठवाड़ा केवल आज के दिन कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी संभावना है। विदर्भ के लिए आज के दिन कुछ कुछ जगह मोस्टली हल्का बारिश साथ में गरज चमक की स्थिति का चेतावनी दिया गया। बाकी प्रदेश मोस्टली कोड़े रहना की सकता है यानी कि आपका मेनली क्लियर स्काई ड्राई वेदर संभावना रहेगा। यह पीरियड में पुणे सिटी इन अराउंड देखा जा रहा है आज से लेके 72 आवर्स यानी कि 16 तारीख तक पार्टली क्लाउडी कंडीशन, आंशिक बादल रहेगा एवं लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स कुछ हेज यानी कि धुंधलापन संभावना, हल्का कुहरा टाइप संभावना रहेगा। 17 तारीख एक्सपेक्टेड फोरनून आवर्स मेनली क्लियर स्काई, आफ्टरनून में थोड़ा बहुत बादल बनेगा। 18 तारीख से एक्सपेक्टेड बादल कम हो जाएगा बट इट वुड बी मेनली क्लियर स्काई इन एंड अराउंड पुणे सिटी डिस्ट्रिक्ट। अभी ये पीरियड में अधिकतम तापमान का बात करें ये सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, एक्सपेक्टेड अराउंड 27-28 डिग्री रहने का संभावना है। न्यूनतम तापमान ये पीरियड में अराउंड 14-16 डिग्री ये रहने का संभावना है। यानी कि प्रदेश के ऊपर देखा जाए एवं पुणे सिटी में भी खास कुछ न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगा, यानी कि रात का ठंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट दिन में जैसे बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने का कारण दिन में भी थोड़ा बहुत ठंड का एहसास रहेगा, बट जितना पिछले कुछ दिनों में देखा उससे ठंड का एहसास कम होता हुआ नजर आएगा। अभी हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान क्या बोल रहा है ये देखा जा रहा है। आज से जो वीक स्टार्ट हुआ 14 से 20 तारीख ये पीरियड में एवं इसके बाद 21 से 27 जनवरी यानी कि मोर ऑर लेस एंड ऑफ दिस मंथ अधिकतम तापमान ये 14 से 20 वाला हफ्ता एवं उसके बाद वाला वीक 2 ये पीरियड में सामान्य से काफ़ी हद तक कम रहेगा, यानी कि दिन में ठंड का एहसास रहने का उम्मीद है। एंड न्यूनतम तापमान ये देखा जा रहा है ये पीरियड में सामान्य से ये 2 वीक्स पीरियड सामान्य से मार्जिनली कम रहेगा, बट नॉर्थ ऑफ मध्य महाराष्ट्र एरिया में दोनों वीक में ही देखा जा रहा है कि ये सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रहने का संभावना है। सो ये है हमारे वेदर अपडेट, समय समय पर हमारा अपडेट देखते रहिएगा। बी सेफ, टेक योर केयर। धन्यवाद।